बच्चों इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इससे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे देखो वाई और जेड की दोस्ती है, ठीक है, दिख रहा है क्लियर आपको, वाई और जेड की दोस्ती है। एक्स क्या करता है, वाई जेड में से वाई को अलग कर देता है और जेड के साथ खुद दोस्ती कर लेता है और वाई बेचारा अकेला जाता है, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस होता है रिएक्शंस में, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक्स ने वाई जेड में से वाई को डिस्प्लेस कर दिया, ओके, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये क्यों करता है, कैसे करता है, उसके बारे में भी देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू डिस्प्लेस एनदर इज डिटरमाइंड बाई इट्स रिलेटिव पोजिशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब ये डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है इनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो मेटल होते हैं ना, इसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। सिंपल बताऊँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चों यहाँ बगल में बना हुआ है, ऐसा पीछे बना हुआ था, ये आपका पोटेशियम से लेकर के AU मतलब गोल्ड तक बना हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, इससे हम ये जान पाते हैं कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कितना जल्दी रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल कितना लेस रिएक्टिव है। समझ में आ गया। अब जैसे मैं आपको सीधे पॉइंट पे आता हूँ, बताता हूँ, यहाँ पे देखो जिंक है, ये है कॉपर सल्फेट, क्लियर दिख रहा है आपको, जिंक है कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखना, जिंक हमारा मेटल है, कॉपर भी हमारा मेटल है, बट कॉपर कंपाउंड के फॉर्म में है सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट है, जिंक अकेला है बेचारा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जिंक और कॉपर में ऊपर कौन है, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है, देखो दिख रहा है कि नहीं, कॉपर यहाँ है और जिंक यहाँ है, मतलब जिंक ऊपर है, तो जिंक जो है वो जल्दी रिएक्शन करेगा। तो कॉपर सल्फेट से जिंक जो है वो कॉपर को हटा देगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है, और बाद में आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। समझ में आ गया। सपोज अगर यहाँ पे जिंक सल्फेट ऐसे ये वाला होता हो, तो यहाँ से ये नहीं बन पाता, कॉपर जिंक को नहीं हटा पाता, पता है क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है तो नहीं हटा पाता। तो ये डिपेंड करता है कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, तभी वो उसको वहां से डिस्प्लेस कर पाएगा। इस अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है किसी रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात क्लियर है। अच्छा, ऐसे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये तो मेटल था ना, तो मेटल को हटाया, अब यहाँ पे देखो ये नॉन मेटल है, Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस है, गैस है मतलब नॉन मेटल है, और ये इस पोटेशियम मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को हटा रहा है। अब यहाँ पे आपको मेटल्स की जो सीरीज दी है, नॉन मेटल की नहीं दी है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये है नॉन मेटल की सीरीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज कहो इसको या फिर नॉन मेटल की सीरीज कहो, समझ में आ गया। इसमें सबसे ऊपर फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब कुछ ध्यान से आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखो, इसको आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है ना, बुक में नहीं दिया आपके। यहाँ पे देखो ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, तो हम देखते हैं क्लोरीन ब्रोमीन में आगे कौन है। देखो क्लोरीन ज़्यादा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा ये, उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है ना। तो ये मोर रिएक्टिव है ब्रोमीन से, ब्रोमीन से मोर रिएक्टिव कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा ब्रोमीन को और ये बन जाएगा KCl एंड ब्रोमीन हो जाएगा अलग। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका हो गया, सेम प्रोसेस हर जगह है, आप देख सकते हैं आगे के एग्जांपल्स, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को हटा देगा, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम हमारा ऊपर है, कॉपर हमारा काफ़ी नीचे है, दिख रहा होगा आपको, तो मैग्नीशियम ऊपर है, कॉपर काफ़ी नीचे है, समझ में आ रहा है। ऐसे एल्युमिनियम जो है वो भी कॉपर को हटा देगा, यहाँ से कॉपर अलग हो गया, यहाँ पे जो आयरन है वो भी कॉपर को हटा देगा, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे होता है, ऐसे यहाँ पे देखो सेम चीज़ है, एक्टिव मेटल्स हैं और वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे मेटल्स, हाइड्रोजन जो है वो मेटल जैसा भी बिहेव करता है, नॉर्मल जैसा बिहेव करता है, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में उसके प्लेस को लेकर कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक तरह के मेटल जैसा, मतलब एक पॉजिटिव आयन जैसा बिहेव कर रहा है, मेटल नहीं बोलेंगे इसको, बोल देंगे पॉजिटिव आयन जैसा बिहेव कर रहा है, बट मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, आयरन इसको डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन के ऊपर है, ध्यान से देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, इन सब के ऊपर है, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन ये सब ऊपर है, तो ये सब क्या करेंगे,
हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। और ये सब एसिड हैं, जितने भी एसिड होते हैं बच्चों उसमें हाइड्रोजन होता ही होता है। तो मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ जिंक सल्फेट, यहाँ पे आयरन सल्फेट, आयरन क्लोराइड, समझ में आ गया। और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर के एज अ गैस जो है वो अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारे रिएक्शंस को आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेस कौन कर पाता है? जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो इसके बारे में पूछ सकता है ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन हो सकता है पूछ ले, इसका रिएक्शन पूछ सकता है या रिएक्शन दे के पूछेगा ये कौन सा रिएक्शन है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि कौन और क्यों डिस्प्लेस करता है। समझ में आ गया? तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात अब हम पढ़ने वाले हैं, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। तो डबल डीकम्पोजिशन जितने भी मैक्सिमम रिएक्शंस आप देखोगे ना केमिस्ट्री में, वो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस ही होते हैं मोस्टली। तो इसमें क्या होता है, बोथ रिएक्टेंट्स, मतलब जो भी हम यहाँ पे लेके चल रहे थे, वहाँ पर कंपाउंड है एक्स वाई है, कंपाउंड ए बी है, बोथ रिएक्टेंट्स या बोथ कंपाउंड्स आर डिकम्पोजेस टू गिव न्यू कंपाउंड्स बाय एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स। यहाँ रेडिकल्स का मतलब बच्चों आयंस, मतलब अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। जैसे एक्स वाई है ना बच्चों, ध्यान देना, ए बी है और एक्स वाई है, तो एक्स जो है वो बी के साथ और ए जो है वो वाई के साथ मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है? एक्स जो है वो बी के साथ, वाई जो है वो ए के साथ मिल जाता है, क्योंकि एक्स के ऊपर हमारा पॉजिटिव है, वाई पे निगेटिव है, ए पे पॉजिटिव है, बी पे निगेटिव है, तो इसका जो पॉजिटिव है इसके निगेटिव के साथ रिएक्शन करता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कैसे करता है, एक बार तो ध्यान से देखिए। और यहाँ जो वाई निगेटिव है वो इसके पॉजिटिव के साथ, मतलब यहाँ पर ये अपने आयन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ भी जुड़े हुए हैं और जो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ भी जुड़े हुए हैं, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर लेता है और न्यू कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। यही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है, ए प्लस है, बी माइनस है, सी प्लस है, डी माइनस है, तो ए जाता है सीधे डी के साथ और ए डी फॉर्म कर लेता है, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो ये अपना आयन छोड़ करके दूसरे के आयन के साथ शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। और ये बी नेगेटिव जो है वो सी पॉजिटिव के साथ अपनी शेयरिंग कर लेता है, शेयरिंग मतलब बना लेता है, जरूरी नहीं शेयरिंग करें यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो ये अपना एक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, ये अपना एक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, बात समझ में आया, इसे हम बोलते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब बस दो कंपाउंड हैं और दोनों कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में है, मतलब उनको पानी में घोल दिया गया। एक्वस मतलब पानी, डाल लो, एक्वा मतलब पानी होता है, ठीक है ना, और एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी का एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा घोल जिसमें वाटर होता है, वाटर का एक घोल है, कोई भी चीज डाल दो उसके अंदर, कैसे नमक पानी, नमक चीनी पानी जो भी है, पानी में कुछ भी घोल हो तुम, तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना बच्चों, जो आप शरबत पीते हो ना पानी वाला, नींबू पानी वाला जो भी पीते हो, उसको आप एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो अगर दो हमारे पास कंपाउंड हैं जो कि एक्वा सॉल्यूशन स्टेट में हैं, घुले हुए हैं पानी में, और जब वो बनाते हैं दो न्यू कंपाउंड, उनको आपस में घोल दिया गया, मिला दिया गया और देखा कि एक रिएक्शन हो गया और दो न्यू कंपाउंड मिल गए, तो दोनों कंपाउंड में से जो दोनों बनते हैं ना उसमें से एक ऐसा होता है जो एज अ प्रेसिपिटेट जाके जो है वो एक तो सॉल्युबल होता है, घुल जाता है उसके अंदर, और दूसरा जो है वो जाके बैठ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक गिलास में आप वाटर ले लो, उसमें डाल दो आप शुगर चीनी और डाल दो उसमें आप थोड़ी सी मिट्टी, तो आप दोनों घोल दो, तुम देखोगे जो चीनी है वो तो घुल जाएगा, ठीक है, और जो मिट्टी है वो जाके तली में बैठ जाएगा। बात समझ में आया? जो बैठ गया उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और जो घुल गया वो तो सॉल्युबल हो गया, वो तो घुल गया। बात समझ में आ रहा है? तो वो मिट्टी चीनी वाले सॉल्यूशन को आप चाहो तो पी सकते हो, नहीं ट्राई मत करना भाई, ऐसा कुछ मत करना। तो कैल्शियम क्लोराइड है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, सोडियम कार्बोनेट है और ये एक्वा सॉल्यूशन में है, मतलब पानी में घुले हुए हैं, ये जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा पे सोडियम क्लोराइड बन जाता है, नमक बन जाता है, नमक तो पानी में घुलता है पता है आपको, कॉमन सॉल्ट, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और ये जाकर के नीचे बैठ जाता है, ये एरो बता रहे नीचे जाके बैठ जाता है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपका जिंक नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बन जाता है NN3, सॉल्युबल सॉल्ट में हो गया ये, ठीक है ना, मतलब ये भी सॉल्ट है एक तरह का, सॉल्ट सिर्फ ये नहीं होता, सॉल्ट बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, आप जो खाते हैं वो ये सॉल्ट होता है, तो NN3 है,
और जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट जाकर के नीचे बैठ जाता है। तो ये सब प्रेसिपिटेट हैं जो नीचे जाके बैठ जा रहे हैं और ये सब आपके सॉल्युबल सॉल्ट हैं। बात समझ में आई, ये रिएक्शंस हैं, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, इसको बस रट्टा मारो, कुछ है नहीं, समझा दिया मैंने, ठीक है ना। अब आते हैं यूज ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव रेडिकल। रेडिकल मतलब आयन, पॉजिटिव आयन इन अ सॉल्ट बाय एनालाइजिंग द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, तो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट के थ्रू हम सॉल्ट को, सॉल्ट के जो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो मैं तुमको बताऊं बच्चों, जैसे यहाँ पे दिखाया है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, दिख रहा है ना। मान लो हमारे पास आयरन सल्फेट यहाँ रखा हुआ है और हमें नहीं पता वो क्या है, मैंने कुछ रख दिया, बोला ये क्या है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं वो क्या है, या उसमें कौन सा मेटल है, या मैं कौन सा पॉजिटिव रेडिकल है या पॉजिटिव आयन है उसके अंदर, मैं तुमसे को क्या है बताओ, तुम क्या करो उसको NaOH के साथ, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH कहीं पे लग गया तो वो हाइड्रोक्साइड हो जाता है, NaOH के साथ उसको रिएक्ट करा दो जो भी वहाँ रखा हुआ है। ओके, तुम्हें नहीं पता वो क्या रखा है, मुझे पता है वो है फेरस सल्फेट, तुम्हें नहीं पता क्या रखा है, जो भी रखा है उसको तुम NaOH के साथ रिएक्ट करा दो, तो क्या बनेगा Na2SO4, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा फेरस हाइड्रोक्साइड या फिर आयरन हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ लिखा हुआ है आयरन हाइड्रोक्साइड, और ये एज अ प्रेसिपिटेट जाके बैठ जाएगा, इनसॉल्युबल नीचे जाके बैठ जाएगा, और इसका कलर क्या आएगा, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, डर्टी ग्रीन कलर आएगा। तो जैसे ही डर्टी ग्रीन कलर आया तुम करोगे ओ डर्टी ग्रीन कलर आ गया, इसका मतलब इसमें फेरस था, आयरन था एक्चुअली, समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा, ऐसे ही आपके पास FeCl3 है, उसको भी NaOH का रिएक्शन करा दो, तुम्हारा NaCl बन जाएगा और FeOH का होल साइज बन जाएगा आयरन हाइड्रोक्साइड, वो जैसा आ गया ना, तो आयरन हाइड्रोक्साइड ये भी इनसॉल्युबल है, तो आपका जो कलर आएगा वो क्या आएगा, रेडिश ब्राउन। मतलब यहाँ आपको कलर देखना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस मतलब क्या होता है, कोई भी आप रिजल्ट देख करके बताओ कि क्या होने वाला, कैसे आजकल कोविड फैला है ना, तो रिजल्ट देख के बता रहे हैं ना कि थर्ड वेव आने वाली है, लोग मर रहे हैं, बहुत और भी आगे डेथ हो सकती है, ऑल दैट, तो हम एक एनालिसिस करते हैं, हिंदी में कहते हैं विश्लेषण, वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कलर देख करके बता रहे हैं कि एक्चुअली इस कंपाउंड में जो हमारा पॉजिटिव रेडिकल है, मतलब पॉजिटिव आयन है, ये सब तो पॉजिटिव आयन है, इनका कलर, अब सपोज यहाँ पे FeSO4 की जगह कुछ और होता, AgSO4 होता, समझ में आ रहा है, कुछ और होता सपोज यहाँ पे, तो तुम समझो कि तब यहाँ पे कलर जो है वो अलग हो जाता। तो जैसे ही डर्टी ग्रीन आ गया हम समझ जाएंगे इस जो हमारा आयरन हाइड्रोक्साइड बना है उसमें एक्चुअली आयरन था, बात समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, ये सब के सब को आपका यहाँ जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, लेड नाइट्रेट है, इन सबको NaOH के साथ ही रिएक्ट कराया गया है सबको। मतलब यहाँ पे कुछ भी रख दो, पूछो बताओ ये क्या है या इसमें कौन सा पॉजिटिव रेडिकल्स है, तो तुम्हें क्या करना है उसको डायरेक्टली NaOH के साथ रिएक्ट करा दो, और वो भी उसके एक्वा सॉल्यूशन के साथ, समझ में आ गया। और जो तुम्हारा नीचे जाके तली में बैठ जाएगा ना उसकी कलर को देख लेना, और कलर से तुम जान जाओगे कि एक्चुअली उसमें कौन सा आयन है, तुमको ये चीज़ याद होना चाहिए, बात समझ में आया। तो प्रैक्टिकल वगैरह में यूज होता है, तो ठीक है, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए और बार बार देखिए वीडियोस, के बाद फिर से देखिएगा समझ में नहीं आता है तो, ठीक है, थैंक यू। पूछो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन। डबल डीकम्पोजिशन में पहले हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इसका एक टाइप था, अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है एक्चुअली, न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है कि दो कंपाउंड हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं, जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट में ना उन दोनों की क्वालिटी नहीं होती, मतलब दोनों ही अपनी क्वालिटी खत्म कर लेते हैं, बात समझ में आ रहा है, दोनों ही क्वालिटी खत्म कर लेते हैं। जैसे सपोज एक कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, उनकी शादी करा दो, बच्चा जो है वो ना तो हिंदू है मुस्लिम है, बच्चा क्या हो गया, बच्चा न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब नेचर ही खत्म हो गया उसका, मतलब वो रिलीजन वाला, ओके, खैर मजाक था ये। तो कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर अभी हम आगे देखते हैं, खैर ऊपर भी दिया है कि होता क्या है, ये वही जो मैं पीछे हमने पढ़ा है कि बोथ रिएक्टेंट्स या कंपाउंड आर डिकम्पोज टू गिव न्यू कंपाउंड बाय एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स, तो समझाया था मैंने पीछे वही A+B वाला, ठीक है ना। हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जैसे रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड बेस एंड एसिड। अब एसिड क्या होता है, देखो तो जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं ना, वो नींबू का जूस वगैरह असल बहुत खा रहे हो तुम कोविड से बचने के लिए, खा लो बच लो, तो एसिड में ही आती हैं खट्टी चीज़ें होती हैं, आपका विनेगर सिरका है,
जो बहुत ही हार्ड एसिड होते हैं, लाइक आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तेजाब वगैरह जो होता है, ये सब खट्टी होती हैं, ठीक है ना। इनका जो स्वाद है खट्टा होता है, बेस जो होता है वो थोड़ा सा कैसेला कड़वा होता है, लेकिन जब इनको आपस में रिएक्शन कराए, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इनका रिएक्शन कराओगे ना तो पता क्या बनता है बच्चों, NaCl नमक एंड पानी। अब नमक को जानते हो ना, वो खट्टा होता है ना वो कसैला होता है, वो तो नमकीन होता है, नमक का एक अलग ही स्वाद है, और पानी का तो कोई स्वाद ही नहीं होता। इसका मतलब इनका पूरा पूरा नेचर ही बदल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जहां पर एक बेस है एक एसिड है, आपस में रिएक्शन किए तो जो रिजल्ट आया वो ना एसिडिक है ना वो बेसिक है। हालांकि आगे अभी आप पढ़ेंगे जहां पे आप ये देखेंगे कि कई बार जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक सॉल्ट बन जाता है या बेसिक सॉल्ट बनता है, वो तब होता है जब हम स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस लेते हैं, खैर वो बात की बात है। बट अभी यहां पे आप न्यूट्रलाइजेशन में ये समझो कि आपका जब बेस और एसिड आपस में रिएक्शन कर रहा है तो आपका जो सॉल्ट और वाटर बनेगा जिनका जो नेचर है ना वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शन को आप बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज हो गया आपस में, ठीक है। और यहां पर भी आपका डबल डीकम्पोजिशन तो हो ही रहा है, मतलब Na जो है वो Cl के साथ, OH जो है वो H के साथ मिलकर के सारा काम धाम कर रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट बाय डबल डीकम्पोजिशन या न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना, फ्रॉम इन सॉल्युबल बेस एंड एसिड। अब देखो इन सॉल्युबल ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब बेस ही होता है, मोस्टली ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों वो बेस होते हैं, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, कहीं पे भी अगर तुमको किस कहीं भी ऑक्साइड दिख रहा है OO या फिर हाइड्रोक्साइड दिख रहा है मोस्टली वो बेस है, समझ में आ गया। अच्छा बच्चों इन सॉल्युबल ऑक्साइड मतलब पानी में नहीं घुलेगा, इन सॉल्युबल लिखा है मतलब ये कंफ्यूज है ना कहाँ घोलना है इसको, ऐसा नहीं कि इसको पेट्रोल में घोलना है, ये इन सॉल्युबल ऑक्साइड मतलब पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना, डाइल्यूट है, पतला है, हल्का है, बता रखा है डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेट क्या होता है, प्रीवियस वीडियो तक देखो। तो कॉपर ऑक्साइड को जो हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा बन गया कॉपर सल्फेट, क्या बन गया कॉपर सल्फेट, और ये है सॉल्युबल, और वाटर तो बन ही गया, इसी वाटर में ये सॉल्युबल हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही हमारा देखो लेड ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है तो ये हमारा बेस है, इनसॉल्युबल है। इसको हमने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन गया लेड नाइट्रेट, और क्या बन गया पानी, और ये क्या होता है ये सॉल्युबल है, समझ में आ गया। ऐसे ही इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड OS लग गया तो हाइड्रोक्साइड, समझ में आ गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड लेड हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे देखो H2SO4 SN3 के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे लेड नाइट्रेट, फिर से वही बन गया, और यहाँ पर तो ये दो ये हो गया आपका सॉल्युबल सॉल्ट, सिंपल है कुछ नहीं, सिर्फ लर्न करना है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। फिर देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट बाय डबल डीकम्पोजिशन न्यूट्रलाइजेशन फ्रॉम सॉल्युबल बेस एंड एसिड, अभी तक आपका इन सॉल्युबल बेस लेके चल रहे थे, अब आपका सॉल्युबल बेस लेके चल रहे हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका सॉल्युबल बेस है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों सॉल्युबल बेस को हम लोग एल्कली भी कहते हैं, एक बात समझना, अगर सॉल्युबल बेस है ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है उसे हम एल्कली भी कहते हैं। जिन बच्चों को मैंने यहाँ क्लासरूम में पढ़ाया था कौन सा चैप्टर था केमिस्ट्री में जो मैंने पढ़ाया था मुझे याद नहीं आ रहा है, पीरियोडिक टेबल, वहाँ पे मैंने बताया था ना वो एल्कलाइन अर्थ मेटल एल्कली मेटल, तो जो एल्कली हूँ बताया था मैंने, वो एल्कली का मतलब ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, बात समझ में आ रही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये हमारा सॉल्युबल बेस है, OH लगा है तो बेस है, और वो पानी में घुल जाता है, इसको हमने HCl के साथ एसिड के साथ क्या किया रिएक्शन कराया तो क्या बन गया सॉल्ट एंड वाटर, समझ में आ गया। तो ये इनसॉल्युबल बेस था, डबल डीकम्पोजिशन चल रहा है यहाँ पर, ऐसे ही आपका फिर से NaOH, इसको HNO3 से करा दिया नाइट्रिक एसिड से तो NaO3 बन गया सोडियम नाइट्रेट, और क्या बन गया वाटर। ऐसे ही NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको कराया HCl से, HCl क्या है एक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो पानी में सॉल्युबल है, ठीक है ना। तो क्या बन गया यहाँ पे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और बन गया वाटर, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रिएक्शंस याद करने हैं और समझना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जब भी एसिड बेस आपस में मिलेंगे बच्चों सिंपली बता दो, एग्जाम में आ गया रिएक्शन बोल क्या ये, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तुमको देखना अगर एसिड बेस के रिएक्शन है ना, मतलब तुम सारे एसिड याद कर लो मोस्टली जो अच्छे वाले हैं, और जो सारे अच्छे वाले बेस हैं वो याद कर लो, और देखो अगर एसिड बेस को आपस में रिएक्ट करा रहा है ना तो जो रिएक्शन है ना उसको हम सिंपली डायरेक्टली लिख करके आ जाओ कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बात समझ में आई। बाकी तुमको केमिस्ट्री है तो याद तो करना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसके यूजेस क्या है बच्चों,
न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन हो रहा है इसके हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है वो देखते हैं। स्टिंग ऑफ अ बी, वो मधुमक्खी काटती थी ना, वैस्प, वैस्प भी कोई कीड़ा होता है ना, वो भौरा है क्या है कुछ होता है मुझे याद नहीं है, जब ये काट लेता है आपको तो इनका जो इंस्टिंग है वो जो डंक है, जहर है जो भी है, वो एसिडिक होता है नेचर में, मतलब वो जो आपको डंक मारते हैं ना तो मेरे से पक्का किसी ने किसी को तो मारा ही होगा, तो वहाँ पे जो ऐसे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, एक्चुअली उसमें एसिड होता है, बात समझ में आ रही है, एसिड होता है। तो मैं तुमको बताऊँ एक अच्छी बात, अगर तुमको कभी ऐसे कोई डंक मार दे, कोई नहीं मतलब अगर कोई मधुमक्खी या कोई हड्डा वड्डा अगर कोई डंक मार दे तो जहाँ पे डंक मारे ना वहाँ पे तुरंत जाके टूथपेस्ट लगा लो तुरंत, मतलब वो सूजन होने नहीं पाएगी, समझ में आ गया, क्योंकि वो होता है एसिडिक और टूथपेस्ट में पाया जाता है बेस, टूथपेस्ट का नेचर होता है वो बेसिक होता है, तो एसिड बेस तुरंत हो जाएंगे न्यूट्रलाइज और वो सूजन नहीं आने पाएगी, समझ में आ गया। तो ये चीज़ लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ ए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं NaHCO3, समझ में आ गया। तो NaHCO3 को अगर हम, इसको हम लोग बोलते हैं इसका एक अच्छा सा नाम है बेकिंग सोडा, ठीक है ना, वो खाने वाला सोडा, तो ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक सब्सटेंस है, कैन बी यूज टू नलीफाई द इफेक्ट, मतलब सॉरी आवाज बहुत आ रही है, तो इफेक्ट को नल कर देता है, नल या नल जो भी कह लो, मतलब अगर सिंपली सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं तुम कोई भी सा भी बेसिक बेस यूज कर लो ना उसके ऊपर तो तुमको जो वो एसिडिक होता है तो वो नल कर देता है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर्ट बर्न ड्यू टू एसिडिटी इन द स्टमक कैन बी रिलेटिव, कई बार होता है ना पेट में एसिडिटी हो जाती है, उस कंडीशन में आप एंटासिड यूज करते हो, एंटासिड का मतलब इनो सुना है ना, ऐड आता है इनो काम शुरू से 6 सेकंड में, ये वही है, एंटासिड कहते हैं एक्चुअली, उसको केमिकल नाम उसका एंटासिड है, हम उसको इनो बोलते हैं, ब्रांड नेम उसका इनो है, उसको क्या है वो जैसे ही पेट में एसिडिटी होती है एसिड बढ़ जाता है, तो इनो जो है वो हमारा बेसिक होता है, जैसे इसको हम खा लेते हैं फटाक से 6 सेकंड के अंदर रिएक्शन होता है और एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड नमक पानी बन जाता है, समझ में आ गया, मतलब वाटर एंड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और हमको बहुत ही रिलीफ फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी फिनिश, सॉरी चैप्टर फिनिश नहीं, ये टॉपिक फिनिश हो रहा है, नेक्स्ट आपका एनर्जी चेंजेस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके ठीक है, थैंक यू।